पहला तो आप सारे फतेह की सांझ पाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये अंदोलन तकरीबन 6 महीनों तो चल रहा है और गुरद्वारा लंगर साहब श्री हजूर साहब वालों का इस अंदोलन के मैं आप जी नूं योगदान भी दसदा कि जिस दिन पहले दिन असी पंजाब तो तुरे हाँ, पंजाब तो पहले दिन जिदन तुरे असी हरियाणे वाला बार्डर, क्योंकि साड़ी खट्टर नाल बनती नहीं, असी खट्टर नूं पिंड डाचर तो भजाया सीगा और भज के निकल गया सीगा साडे कोलों। असी उहदा पिछा भी किया, उहदियां गड्डियां भी भन्नियां सी वीरो। क्यों भन्नियां सीगियां? क्योंकि वह साडे धर्म खिलाफ सीगा उस टाइम दी साडे नाल इस खट्टर दी लगदी सीगी और असी पन्न कीता सीगा, क्योंकि जदों असी कहा सीगा भी असी सवेरे अंदोलन दे विच शामिल होना और इन्हां ने साडे इलाके दीआं गिरफ्तारियां शुरू कर दित्तियां और दास पंजाब उस दिन रात नूं चले गया। एक बहुत वड्डा जिहड़ा जथा पंजाब तो लैके पहले दिन हरियाणे वाला बार्डर दास नाल तोड़ के लैके आया और असी इत्थों तक पहुँचे अगले दिन। ये भी हजूर साहब वाले महापुरशां ने कृपा की और आप सारे भाईचारे ने किसान भरावां ने नाल हिम्मत करके वह बॉर्डर तोड़ के लैके आए और उस दिन का ही इस बॉर्डर उत्ते जिहड़ा गुरु का लंगर तत्पर इत्थे भी चल रहा और गाजीपुर भी चल रहा। और मैं बेनती करांगा कि असी कोई अगली रणनीति तैयार करिए, क्योंकि सानू इत्थे बैठिया नूं बहुत चिर हो गया। सरकारां भावें झुक चुकियां ने, सरकारां भावें तरले लै रहियां ने, पर नहीं, एक बार फिर हल्ला बोलना पवेगा जिस तरह तुसीं पिछों बोल के आए जे, इस तरह फिर एक हल्ला करना पवेगा। भावें मैं तुहानूं तुहाडा एक छोटा वीर हाँ, मैं एक सुझाव दिना कि माड़ा मोटा एक ना फिर हिलाइए तां गल बनेगी, इत्थे बैठन ना गल नहीं बननी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। और मैं साडे प्रधान सरदार गुरनाम सिंह चटूनी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा और जगदीप सिंह उन्हां दा भी धन्यवाद और सोनू वीर मेरा संत तो जिन्होंने बहुत वड्डे तादाद दे विच जिला करनाल दी संगत नूं उत्साह दिता, किसानां नूं उत्साह दिता और बहुत वड्डे पद्धर उत्ते वो किसान जथा जिहड़ा अज सिंघू बॉर्डर उत्ते पहुंचा वधाई दे पात्र ने। इस तरह ही मैं सारे ही किसान भरावां नूं बेनती करांगा कि अलग अलग जिलों के वड्डे पद्धर उत्ते इस तरह काफले लैके आओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद।